एक तरफ कोरोना का प्रहार प्रचंड है तो दूसरी तरफ सिस्टम के आगे मरीज बेबस हैं। बुनियादी मेडिकल सेवाओं के लिए भी मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इस संकट में भी कुछ एम्बुलेंस वाले मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हैं। मरीजों को लाने ले जाने के लिए मनमाना किराया वसूल रहे हैं, लेकिन अब ये मरीजों से मनमाने दाम नहीं वसूल पाएंगे। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस का अधिकतम किराया तय कर दिया है। नॉर्मल एम्बुलेंस वाले 10 किलोमीटर के लिए ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए किराया वसूल सकते हैं। 10 किलोमीटर से ज्यादा के लिए 100 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 10 किलोमीटर के लिए 2000 रुपए किराया वसूल सकती है। इससे ज्यादा के लिए 100 रुपए प्रति किलोमीटर। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 10 किलोमीटर के लिए ज्यादा से ज्यादा 4000 रुपए किराया ले सकती है। इससे ज्यादा के लिए 100 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। एम्बुलेंस के इस चार्ज में पीपीई किट, सैनिटाइजर, ड्राइवर और ग्लव्स का खर्चा शामिल होगा। कोई भी एम्बुलेंस प्रोवाइडर इनके पैसे अलग से नहीं ले सकता। अगर किसी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर ने तय सीमा से ज्यादा चार्ज वसूले तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। एम्बुलेंस और ड्राइवर दोनों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अभी तक राज्य सरकारें एम्बुलेंस के मनमाने किरायों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं, जबकि ये तय करना राज्य सरकारों का ही काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार तय करे कि कोई अस्पताल या एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर मेडिकल सर्विस के तय सीमा से ज्यादा दाम न वसूल पाए। अब दिल्ली में एम्बुलेंस सेवा के चार्ज तय कर दिए गए हैं। इससे कोरोना की मार से कराहते मरीजों को राहत जरूर मिलेगी।